टुडे वी हैव दी ब्रांड न्यू किया सोनेट विद अस। ये किया सोनेट का डीजल वाला मैनुअल में वेरिएंट है, HTX वेरिएंट है, टो मॉडल से एक नंबर नीचे वाला। एंड टुडे वी आर ऑन दी हाईवे। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत प्यारा हाईवे है, बहुत बढ़िया हाईवे है यहाँ पे। एंड आज हम इस गाड़ी का टॉप स्पीड रिव्यू करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप स्पीड दिखाऊंगा इस गाड़ी की, आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है वीडियो, तो वीडियो को पूरा देखना, छोटी सी वीडियो है, बिना फालतू बातों के आइए शुरू करते हैं वीडियो। सो फ्रेंड्स, वी आर राइट नाउ इनसाइड द कार। ट्रैक्शन कंट्रोल मैं यहाँ पे ऑन ही रखूँगा कार का, क्योंकि सेफ्टी फीचर है, उसे ऑन ही रखना चाहिए। और यहाँ पे AC को भी हम प्रॉपर ऑफ कर देंगे यहाँ पे, ताकि इंजन अपना फुल परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सके। 1.5 लीटर का डीजल इंजन है। करें स्टार्ट भाई। सो 1, 2, 3। अबे यार इकट्ठी इकट्ठी चलने लगी सारी। वन टू थ्री एंड हियर वी गो। सेकंड गियर, थर्ड गियर और ये 100 कंप्लीट। फोर्थ गियर 120 कंप्लीट, 140 एंड ब्रेक देनी पड़ेगी। गियर पे गाड़ी है, 140 को टच कर लिया। अभी जा रहे हैं और आगे की तरफ, 150 को टच कर लिया। फिफ्थ गियर डाल दिया मैंने, 170 को। यार अबाउट 169 पे थी। ब्रेकिंग काफ़ी ज़बरदस्त है यार गाड़ी की, काफ़ी ज़बरदस्त। 169 तक पहुँचे फिफ्थ गियर पे। अगेन फोर्थ गियर 140, टॉप स्पीड के लिए। ये मोड़ काटने के बाद ना मैं पिकअप दोबारा दूंगा, यहाँ पे काफी तेज है। दिख रहा ना नीलेश स्पीड वगैरह? हाँ। एंड यहाँ से पिकअप होगा दोबारा से, ये लास्ट ट्राई रहेगा, इसके बाद ये हाईवे खत्म हो जाएगा। अगेन वी आर एक्सेलरेटिंग। यहाँ पे होंडा सिटी ड्रैग कर रही थी हमारे साथ, बट यस हमने ओवरटेक कर दिया उसे। ओके, यहाँ से पिकअप होगा फाइनल वाला। सब बढ़िया रहा तो हम यहाँ पे टॉप स्पीड अटेन कर पाएंगे दोबारा से। फिफ्थ गियर डाल दिया गाइस, सही बात है। 4-10 ग्राम पूरी हो जानी थी 170 से ऊपर। दोबारा से गाड़ी करिए, फिफ्थ डाल लो बट इसके बाद डालेंगे। रुक आओगी उल्टे वाले की
डर आ रहा था, मैं ऐसे निकल रहा। एंड नाउ वी आर टचिंग 140 एंड नाउ 150 की बारी, और 150 पे जाके ब्रेक्स। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। 0 से 100 भी देख लिया और टॉप स्पीड भी हमने देख ली जो 50 गियर पे 169 थी। और यहाँ पे ना कुछ लोग काफ़ी बोलते हैं कि अगर 50 पे 169 है तो 6वे पे तो 210 चली जाएगी, और वो जो DCT वाली गाड़ी होती है ना 7 स्पीड वाली, उसमें तो बंदा गया फिर 250 चली जाएगी। ऐसा नहीं होता है, कोई भी गियर का बस काम होता है इंजन को रेव देना। ऑलरेडी 4000 RPM पे 5वे गियर पे चल रही थी गाड़ी, अगर मैं 6वां गियर डाल भी देता, 5000 RPM पे 6वां गियर डाल भी देता तो गाड़ी ने 169 से 167 आ जाना था, फिर उसके बाद 175-180 तक चली जाती। बट हाँ, यहाँ पे आई नो दिस, एवरीवन नो दिस, कि जो 1.5 लीटर का डीजल इंजन है ना इस गाड़ी का, एक्सट्रीमली पावरफुल, एक्सट्रीमली बढ़िया वाला इंजन है यहाँ पे। बट हाँ, क्रेटा में ये थोड़ा हायर स्टेट ऑफ ट्यून में आता है, हायर पावर आती है उसमें क्रेटा के अंदर, वो हायर भी इस सेंस में होती है कि लाइक 115 हॉर्स पावर आती है क्रेटा में, ठीक है, और यहाँ पे 100 हॉर्स पावर आती है, तो वही थोड़ा सा फर्क है। क्रेटा जो है 195 तक भी चले जाती है, 195-200 तक, एंड सेम दिस कार कैन ऑल्सो टच 180, बट ऑन अ लॉन्ग रन। ऐसा नहीं कि आप शॉर्ट हाईवे पे जैसे अभी मैंने करा उस पर 180 नहीं टच करेगी, पर 180 इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल स्पीड, वहाँ तक पहुँचने में गाड़ी की लग जाती है पूरी, ठीक है। तो अगर आप 180 पे पहुँच भी गए, हल्की सी भी ब्रेक दोगे, आप अगेन 160 आ जाओगे, फिर 180 तक पहुँचने में पूरा 1-1.5 मिनट लग जाएगा। सेम कहानी मैंने रेनो काइगर के साथ करी थी, वो काफ़ी मुश्किल से 167 तक पहुँची थी, जैसे ये तो 169 को टच कर गई ना गाड़ी, वो 167 तक ही काफ़ी मुश्किल से पहुँची थी। तो उसके लिए जो प्रैक्टिकल स्पीड का टॉप स्पीड था ना, वो 154-155 था। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ आई होगी। टिल देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे ऐसे किसी अच्छी वीडियो के साथ, एंड बाय बाय।